न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं सतना जिले की, जहां सिविल लाइन थाना के अंतर्गत हाटी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना 5 जुलाई की मंगलवार की सुबह की बताई जाती है, जिसमें जमीन के बंटवारे के विवाद में सेन समाज के एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने हो गए और फिर क्या था, जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अब घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं। एक पक्ष से घायल फरियादी बागेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व में दोनों पक्षों के बीच बंटवारा हो चुका है, बावजूद इसके बंटवारे को रंगेलाल एवं रिंसु नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण अक्सर ही तनाव की स्थितियां बनती रहती हैं। और 5 जुलाई को ये तनाव खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हैं। एक पक्ष जहां जिला अस्पताल में भर्ती हो गया था, तो वहीं दूसरे पक्ष से 5 जुलाई को घायल हालत में बागवेंद्र, रामपाल एवं रंजीत सिविल लाइन थाने पहुंचे थे, जहां मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने दोनों पक्षों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मामला कायम कर जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हुआ आज? लात मारी है, बिटिया को मारे ना थी। हम जो तो बोल रहे हैं कि मुझे काय कर करते हैं रोज का रोज। हमारा घर तो कहे कि राज्य तो कहे कि अब पूरा हम कहे कुरान बटन मारा तो हम कुरान बटन मारा हम ना मान अपन मान कर अब तो कुरान बटन मारा ना मान तो हम कहें वहाँ हुई हम ना माना जो बाप पुरखा था जी बांटे रहे हैं वही जो उन्हें तो हमने छाड़ा बाप आगे जमीन जो उन्हें कैसी तुम कहीं तुम आगे ले आगे क्या पाला तो पुरान घर हम अपन बंटवारे को लेके विवाद हुआ ना। अच्छा, कौन कौन लोग मारपीट किए? सवारी मारी थी तो पुलिया मार गए तो कम लाख पाई है। कौन कौन लोग मारपीट किए हैं? रंगे लाल सिंह शंकर और। अच्छा, कितने लोग घायल हैं आप लोग? घायल हम तीन जन हैं, दो चार लोग। तीनों भाई हैं आप लोग? नहीं, ये भतीजा है, हम दो भाई हैं। जा खड़े जा।